हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है मेजर साहब और आज आ गया हूं मैं आप लोग के लिए एक नया फिल्म का शूटिंग लोकेशन लेकर के। दोस्तों एक फिल्म आया था दोस्तों 2010 में, तुम मिलो तो सही। उसमें स्टार कास्ट की अगर बात करें तो नाना पाटेकर, डिम्पल खन्ना, सुनील शेट्टी, मनीष वेल और भी बहुत सारे एक्टर्स थे। दोस्तों उसका एक सीन आप लोग को याद होगा, जब एक किन्नर रहता है, नाना पाटेकर से पैसा मांगता है, उसके आगे डांस करता है कि तेरे वास्ते मैं नाची रे पैसा दे। फिर नाना पाटेकर जी भी सेम वैसा ही करता है और फिर वो किन्नर गुस्सा होकर चली जाती। तो वो सीन दोस्तों इस जगह पे रिकॉर्ड किया गया। मेरे पीछे आपको ग्रैंड होटल दिखाई दे रहा होगा, उसके सामने रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों ये एरिया की अगर बात करें तो ये बल्लाड इस्टेट है। दोस्तों ये मिनी फिल्म सिटी है मुंबई का, यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। अभी भी उस साइड पे आप लोग देख सकते हैं, उधर भी कुछ शूटिंग हो रही है, किसी ऐड का शूट हो रहा है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ जो भी सीन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया आपको स्क्रीनशॉट के साथ मैच करके दिखाऊंगा। अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको भी कोई ऐसी फिल्म का शूटिंग लोकेशन देखना हो जो आपके फेवरेट फिल्म हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द से जल्द आप लोग को भी वो शूटिंग लोकेशन दिखाऊं जो सीन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है या जहाँ भी रिकॉर्ड किया गया है। तो चलिए मिलते हैं फिर शूटिंग लोकेशन पे। दोस्तों तुम मिलो तो सही फिल्म का एक सीन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, जब नाना पाटेकर जी उधर से आते हैं हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के। आप स्क्रीन शॉट से ये जगह मैच कर सकते हैं। दोस्तों आज से 13 साल पहले वो फिल्म का शूटिंग यहाँ पे हुआ था। ये आपको इसका रेड वाला बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों यहाँ से आते हैं और बारिश का टाइम रहता है, नाना पाटेकर जी इधर से आते हैं और एक बच्चा तभी इस साइड से ऐसे करके साइकिल लेकर के आते हैं और नाना पाटेकर जी से टकरा जाते हैं और फिर उनका डॉक्यूमेंट्स जमीन पे भीग जाता है, जो स्क्रीन शॉट से आप मैच कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक खंभा दिखाई दे रहा होगा, ये रोड और ये जो दीवार आपको दिखाई दे रहा है ना दोस्तों इस साइड से, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। आप स्क्रीन शॉट के साथ मैच कर सकते हैं, कुछ इस हिसाब से रहता है। फिर नाना पाटेकर जी वो बच्चे से बात करते, उनको डांटते रहते और फिर वो बच्चा उनके साथ थोड़ा मुँह जोड़ी करता है तो फिर नाना पाटेकर जी साइकिल लेके छीन के चले जाते। तो स्क्रीन शॉट से ये सीन मैच कर सकते हो दोस्तों। कुछ सीन दोस्तों उधर से दिखाया गया है जब नाना पाटेकर जी साइकिल लेके बच्चे का उधर चले जाते, तो मैं आपको उधर से भी वो सीन दिखा देता हूँ, कट नहीं करूँगा दोस्तों। मैं सोच रहा हूँ आपकी और वन शॉट में पूरा वीडियो दिखाऊँ। यहाँ पे क्रिकेट खेलते रहते दोस्तों। एक सीन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, इधर से कैमरा एंगल रहता है, आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं। जब नाना पाटेकर जी साइकिल ले लेते हैं बच्चे से छीन कर और बच्चा रोता हुआ उधर भाग जाते हैं और तो नाना पाटेकर जी साइकिल लेके इस हिसाब से आते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन शॉट से ये जगह मैच कर सकते हैं। आपको बैकग्राउंड पे ये जो दीवार बड़ी सी बिल्डिंग है उसका जो खिड़की विंडोज है वो दिखाई दे रहा होगा और आपको ये दरख्त दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों आप ये देख सकते हैं स्क्रीन शॉट में, आपको ये खिड़की का जो विंडो डिज़ाइन है वो देख सकते हैं। दोस्तों आज से 13 साल पहले उस फिल्म का शूटिंग यहाँ पे हुआ था। नाना पाटेकर जी वो बच्चे का साइकिल लेकर के इधर से इधर चले जाते हैं दोस्तों, जो कि इधर का सीन तो उतना नहीं दिखाता है, इतना सीन दिखाता है जो कि कट होता है। और बाकी का कुछ सीन दोस्तों जो आगे रिकॉर्ड किया गया मैं आपको आगे चल करके भी दिखा देता हूँ। दोस्तों उसके बाद एक सीन यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, जो एक किन्नर आता है और एक लड़का आता है यहाँ पे, उसको छेड़ता है किन्नर और उससे पैसे लेने की कोशिश करता है, वो भी पैसा नहीं देता है। तब उसी टाइम इस साइड से नाना पाटेकर जी आते हैं। आप स्क्रीन शॉट से ये जगह मैच कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये जो विंडोज़ दिखाई दे रहा है, विंडोज़ में जो ये लोखंड वगैरह लगा हुआ है, आप स्क्रीन शॉट के साथ मैच कर सकते हैं। आज से 13 साल पहले तुम मिलो तो सही फिल्म का शूटिंग यहाँ पे हुआ था, जबकि नाना पाटेकर जी इधर से आते और वो किन्नर रहता है यहाँ पे। वो किन्नर पहले डांस करते और फिर नाना पाटेकर जी से पैसा मांगते, फिर नाना पाटेकर जी थोड़ी देर खड़े होकर उनको देखते और फिर उसके बाद वो भी डांस करते और बोलते मैं भी तेरे वास्ते नाचा, मुझे भी पैसा दो। तो वो सीन दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, आप स्क्रीन शॉट के साथ मैच कर सकते हैं। आज से 13 साल पहले वो फिल्म का सीन दोस्तों यहाँ पे लिया गया है और इस साइड से आपको पीछे का ये रास्ता गली दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कुछ उस टाइम पे रखा हुआ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है, अभी ये ग्रिल बना दिया गया, पहले कुछ और टाइप का दीवार था। और आप ये विंडोज़ स्क्रीन शॉट के साथ मैच कर सकते हैं। और कुछ सीन दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था जो कि मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, यहाँ से वो सीन रिकॉर्ड किया जाता है और फिर वो कुछ सीन दोस्तों उधर से कैमरा एंगल दिखाया जाता है जो कि ये वाला सीन रहता है और यहाँ पे वो नाना पाटेकर वाला सीन रहता है। दोस्तों स्क्रीन शॉट के साथ मैच कर सकते हैं। 13 साल बाद मैं आप लोग को वो जगह दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आए दिन फिल्म शूटिंग होते रहता है दोस्तों, जो कि अभी उधर भी हो रही है। ये मिनी फिल्म सिटी है समझ लो यहाँ का। हाँ तो दोस्तों बताइए कैसा लगा आप लोग को तुम मिलो तो सही फिल्म का शूटिंग लोकेशन। दोस्तों ये लोकेशन मुझे बहुत पहले ही मिल गया था, लेकिन मैं जब भी आऊँ यहाँ पे कुछ ना कुछ
काम होता या फिर शूटिंग होता या फिर गाड़ी लगी रहती, तो जिसकी वजह से मुझे ये जगह दिखाने को नहीं मिल रहा था। लेकिन आज आया और मुझे आज जगह, सही जगह दिखाने को मिल गया है। तो दोस्तों बताइए कैसा लगा, कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा आप लोग को। अगर आपको और किसी फिल्म का शूटिंग लोकेशन देखना हो और आप देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, फिल्म का नाम और सीन सजेस्ट कीजिए, मैं जल्द से जल्द दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पर।